नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। कल बहुत अद्भुत नजारा देखने को मिला भारत के आकाश में। गुरुदेव बृहस्पति यानी जुपिटर 70 वर्षों बाद पृथ्वी के करीब आ गए। जिन्होंने भी ध्यान दिया होगा उन्हें जरूर नजर आए होंगे गुरुदेव जी। मेरे पास कैमरा है निकोन P1000 कूल पिक्स। मैंने उसे ट्राई किया कि बृहस्पति महाराज की तस्वीर खींची जाए, और खास बात यह थी कि कल नवरात्र का पहला दिन भी था, तो ये संयोग बड़ा जबरदस्त था। सूर्यास्त जिस वक्त हो रहा था उसी वक्त पूरब दिशा से बृहस्पति जी दिखने शुरू हो गए। अब एक फोटोग्राफर के रूप में बहुत सारी शूट करने में अड़चनें भी आती हैं। जैसे मैं महानगर में हूं तो महानगर की जो स्ट्रीट लाइट है, जो रोशनी है, वो बहुत डिस्टर्ब करती है पूरब की तरफ अगर कैमरा करे तो। तो मैंने इंतजार किया कि बृहस्पति महाराज मेरी छत के ठीक ऊपर तो आ जाए ताकि रोशनी का डिस्टर्बेंस से बचाव हो जाएगा। और बात वही हुई, 11 बजे के बाद मैंने अपना कैमरा लगाया। एक छोटा सा ट्राइपॉड है, हालांकि हल्का है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया कि उसी से कोई शॉट खींचे जाए। शॉट आप देख रहे हैं। अब इसमें दिक्कत क्या आ रही थी कि जैसे हमारी ये कल्पना होती है कि बहुत शार्प पिक्चर आए, लेकिन शार्प कैसे आएगी? जो बृहस्पति जी का साइज है वो हमारी पृथ्वी से 7 गुना बड़ा है, यानी कि जहां मेरा कैमरा सेंटर को देख रहा है बृहस्पति के, तो उसके लेफ्ट राइट में जो उसकी गोलाई है वो लाखों लाख किलोमीटर में है, तो पिन पॉइंट शार्प तो कर नहीं सकता। और ये भी विद्वानों का कहना है कि धरती से स्पेस के चीजों को जब हम शूट करते हैं तो बहुत सारे फोकसिंग को लेकर के ट्रबल्स होते हैं। अगर आप स्पेस को पढ़े तो पता चलेगा। तो अगर खुद कैमरा लेकर के अगर ऊपर जाया जाए, स्पेस जाया जाए, तब तो दूसरे ग्रहों को की शार्पनेस की तस्वीरें दिखेगी, जैसा कि इंटरनेट पर आपको बृहस्पति की भी दिखती है। फिर भी मैंने सीमित साधनों से कोशिश की है बृहस्पति को आपको दिखाने की। आप देखें गुरुदेव को और इसकी सतह को ध्यान से देखें। सतह पैसे लगता है इसे इमेज बनी हो। बहुत सारी अड़चने थी इसमें, लेकिन इस कैमरे का भी एक कमाल है कि इसने जिस तरीके से उस इमेज को फोकस किया, जैसे वो कंट्रोल किया, वो भी मजेदार है। मैंने इसको लगाया था प्रोग्राम में और ऑटो फोकस में। पहले मैंने मैनुअल में कोशिश की, सफल नहीं हुआ। मैनुअल फोकसिंग की भी कोशिश की, उसमें भी सफल नहीं हुआ। मैंने लगाया ऑटो फोकसिंग और प्रोग्राम में, तो उसका एक अद्भुत नजारा मेरे को इस कैमरे से मिला। जब मैं शटर को रिलीज करता था तो वो जो इमेज है बृहस्पति की उसको वो बोल्ड करना शुरू करता था, बड़ा सा करके। अब उसमें समस्या आती थी कि मेरे फ्रेम के जो आउटर साइड जो सर्किल है उसे टकराने लगता था, तो फिर मैंने एक पिक्चर में तो उसको जूम को छोटा भी किया ताकि टकराए नहीं, यानी कि कटने क्रॉपिंग होने लगती थी। तो वो क्या करता था कि बहुत बड़ा आकृति लेता था, और प्रोग्राम होने से क्या फायदा था कि उसकी एक्सपोजर जो रोशनी के अनुसार, जो उस पर रोशनी वहां से रिफ्लेक्ट होकर मेरे कैमरे में आ रही है उसके अनुसार उसने शटर को दिया, और वो तस्वीर अच्छे साइज में, बहुत अच्छे साइज में आई है। आप देखें तो आपको, आप देख ही रहे हैं, आपको पता चल रहा है। ये अद्भुत नजारे को कैद करने की तमन्ना मेरी 10-15 दिन पहले से थी। मैंने अपने कुछ साथियों को इसकी सूचना को शेयर भी किया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि लोगों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। और जिसने रिस्पॉन्ड किया उसका दुर्भाग्य भी था। जैसे बनारस के एक साथी ने रिस्पॉन्ड किया और वो कोशिश की, लेकिन बनारस में बादलों ने बृहस्पति जी को घेर लिया और उसकी शूट नहीं हो पाई। तो शायद मैं ज्यादा भाग्यवान था, मैं शूट कर पाया, आपके समक्ष पेश है। और मेरा मेरी मंशा ये है, और मैं चाहूंगा, क्योंकि मैं स्पेस की चीजों का एक्सपर्ट नहीं हूं, ग्रहों की जानकारी नहीं है, तो जिनको भी जानकारी हो और जो देखें इस वीडियो को, तो अपनी जानकारी को साझा करें, उस तस्वीर के बारे में लिखें जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और जितनी चर्चा करेंगे उससे जानकारी भी बढ़ेगी और लोगों की, मेरी भी जानकारी बढ़ेगी, और चैनल का पर्पज भी यही होता है। और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।